सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभिरा की शादी को बचाने का सिर्फ एक ही तरकीब था माधव के पास, जो कि अब उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब माधव अभिरा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि संजय की ही जीत होगी। माधव का एक्सीडेंट हो गया, माधव इकलौता ऐसा शख्स था जो अरमान और रूही की शादी को तोड़ सकता था और अभिरा और अरमान की शादी को बचा सकता था, क्योंकि अभिरा और अरमान की शादी अभी भी टिकी हुई है, मतलब अभी भी उनका डिवोर्स पेंडिंग है, अभी भी दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये बात सिर्फ माधव को पता था। माधव फैमिली मेंबर के पास ये बात बताने के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। संजय को लगता है कि अब संजय का काम खुद ब खुद आसान हो गया। माधव तो हॉस्पिटल में है, संजय ये चाहता है कि जब तक अरमान और रूही की शादी ना हो जाए तब तक माधव को हॉस्पिटल में ही रखा जाए, और माधव का फोन भी ले लिया है। उससे पहले माधव कॉल लगाने की कोशिश करता है अभिरा को, रिंग भी जाता है अभिरा के पास, लेकिन उससे पहले माधव बेहोश हो जाता है। अब देखते हैं कि संजय ने जो ये सच्चाई छुपाई है कि माधव का एक्सीडेंट हुआ है, ये जब सबको पता चलेगा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये जो पाप का घड़ा है ना एक दिन भर जाता है, और वो वक्त आ गया। अब संजय का जो घड़ा है वो बहुत जल्द भरने वाला है और वो बहुत जल्द पोदार मेंशन से बाहर निकलने वाला है। वेल देखते हैं कि क्या सब नया ड्रामा होता है, लेकिन फिलहाल इस शादी में बहुत सारे ड्रामा हमें देखने मिलेंगे। अब देखते हैं कि माधव किस तरह से सबको सच्चाई बताता है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अभिरा को जैसे पता चलेगा माधव की हालत के बारे में, वो माधव को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगी। देखते हैं क्या सब होता है, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या संजय इतनी आसानी से हार मान जाएगा, वो मतलब माधव तक किसी भी फैमिली मेंबर को आसानी से पहुंचने दे देगा? जो भी लगता है कमेंट करें, और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप को।